मित्रों को पूरा वेतन दो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हरे सरकार मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, अध्यापक एकता जिंदाबाद, 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पॉलिसी चलाई है सर, उस ट्रांसफर पॉलिसी के कारण हमारे जो गेस्ट टीचर साथी हैं, हमारी जो मैडमें हैं, वो सर आपको पता ही है कि एक तिहाई आधे से भी कम वेतन पे काम कर रही है। और हमारी जब नियुक्ति हुई थी सर 2005 और 6 में, उस समय हमारी जो नियुक्ति हुई थी वो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हुई थी, और हमें इस पॉलिसी के तहत लगाया था कि हम अपने जिले के अंदर, अपने ब्लॉक के अंदर काम करें। गाँव में हुई थी, हाँ जी, हाँ, खाली भी थी। तो सर, दुर्भाग्य ये है कि 16-17 साल कार्यकाल बीत जाने के बाद अब जब हमारे साथी उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं कि सबके बच्चे जवान हो चुके हैं, किसी की शादी करनी है और कोई क्रोनिकल डिजीज से गंभीर बीमार हैं। अभी हमारी कुछ मैडमें हैं, मैडम है कि दोनों बच्चों को पैरालाइज है, और एक मैडम उसकी ब्रेन ट्यूमर है, और एक मैडम को पथरी की शिकायत है और वो दर्द में पलवल गई है, आज वो आ नहीं सकी यहाँ पर, कि उसने अभी जाकर वहाँ पर सोमवार को ज्वाइनिंग करनी है। हमारे साथी बहुत परेशान हैं। हमारी देखो, हम मुख्यमंत्री जिले से हैं यहाँ पर, और हम अपने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम जो अध्यापक हैं, हमारी जो मांगे हैं कि हमें अपने जिला स्तर पर ही हमें समायोजित किया जाए, हमें ज़िले से बाहर ना भेजा जाए, क्योंकि इतने कम वेतन में हम ज़िले से बाहर कैसे काम करेंगे। गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा है भी किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, हर माह कितनी पोस्ट चाहिए। सर, एक और दिक्कत है कि सर, अब जैसे गवर्नमेंट ने कर दिया कि जो SS वाला टीचर है वो इंग्लिश पढ़ाएगा, फिजिक्स वाला जो है वो मैथ पढ़ाएगा, तो सर ये कैसे पॉसिबल होगा? आप तो सर अधिकारी हैं, आपको तो पता है इस बात का, जब तक एक पूरे सब्जेक्ट का टीचर नहीं होगा तो वो कैसे बच्चों का विकास होगा? सर ये भी समस्या है। सर हिंदी वाला बोल, संस्कृत वाला हिंदी पढ़ाएगा। देख सकते हैं, आज गेस्ट टीचर्स प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और यहां पर जो अधिकारी हैं वो इस ज्ञापन को लेते हुए नजर आ रहे हैं। गेस्ट टीचर्स की मांग है, या तो उन्हें रेगुलर किया जाए या फिर उनका ट्रांसफ़र ना किया जाए। अगर उनका ट्रांसफ़र करना है तो पहले उनको रेगुलर किया जाए, उन्हें पक्का किया जाए, क्योंकि गेस्ट टीचर्स को काम करते हुए लंबा समय हो गया है, और ऐसे में स्थिति में अगर उन्हें यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उन गेस्ट टीचर्स को परेशानी होगी। और गेस्ट टीचर से एक बात और मालूमात चली है कि अब SS का टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा, फिजिक्स का टीचर मैथ पढ़ाएगा, ये बात क्या है वो समझने का हम प्रयास करेंगे। पहले एक बार शिक्षा अधिकार गया है, क्या कहेंगे? ये हमारे गेस्ट टीचर्स की यूनियन थी, उन्होंने ट्रांसफर के रिगार्डिंग और इनकी पोस्टिंग के रिगार्डिंग जो ज्ञापन दिया है उसको उचित माध्यम से डायरेक्टरेट को, सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को ये प्रेषित कर दिया जाएगा, और जो भी निर्णय मुख्यमंत्री महोदय ने या डिपार्टमेंट ने लेना है, निर्णय तो क्योंकि उन्हीं ने लेना है, तो हम इनके साथ हैं, और इनकी जो भी जायज़ मांगे हैं वो सरकार को मानने के लिए ये जो ज्ञापन है इसको हम प्रेषित करेंगे। ये क्या नई पॉलिसी आई है कि सिर्फ SST का टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा? नहीं, ये जो पॉलिसी है ये दरअसल मिडिल स्कूलों के लिए ये अब नहीं आई है, अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ 8th ये पहले से थी कि 8वीं तक हमारे पास एक पोस्ट होती है SS की, एक पोस्ट होती है संस्कृत की, और जो संस्कृत टीचर है वो हिंदी भी पढ़ाता है, वो स्ट्रेंथ के हिसाब से, अगर स्ट्रेंथ कम है तो SS वाला टीचर है वो अंग्रेजी भी पढ़ाएगा, संस्कृत वाला जो टीचर है वो हिंदी भी पढ़ाएगा, जो साइंस टीचर है, क्योंकि साइंस नॉन मेडिकल वाले ही लगते थे ज़्यादा, तो वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाएगा जब तक कि स्ट्रेंथ उसकी कम है। जो ही स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो पहला साइंस का, तो नेक्स्ट जो टीचर वहाँ पर पोस्ट क्रिएट होगी वो मैथमेटिक्स की होगी। इसी प्रकार से संस्कृत के बाद हिंदी की पोस्ट क्रिएट होगी, SS के बाद फिर वो इंग्लिश की पोस्ट क्रिएट होगी। तो इस तरह से था, ये स्टार्टिंग से ही था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड्स भी लगाए गए थे, पुलिस बल भी तैनात किया गया था, क्योंकि CM आवास है और CM आवास के मद्देनज़र यहाँ पर कोई भी कानून व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो, इसके चलते स्पेशल व्हीकल भी यहाँ पर बुलाया गया,
साथ ही साथ वाटर कैनन की गाड़ियां भी यहां पर बुलाई गई थी, लेकिन गेस्ट टीचर्स तीन जिलों के जो मुख्य नुमाइंदे हैं वो यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने आज शिक्षा विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सरकार के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्य मांग यही है कि उन्हें ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है, क्योंकि इस समय शिक्षा विभाग के बहुत सारे टीचर्स का ट्रांसफ़र हुआ है और गेस्ट टीचर्स का कहना है कि उन्हें ट्रांसफ़र पॉलिसी में ना रखा जाए। वजह ये है कि अगर ट्रांसफ़र करनी है तो पहले उन्हें पक्का किया जाए, क्योंकि गेस्ट टीचर्स अब इस समय ऐसी स्टेज पर हैं जहां पर उनका घर पे कोई बीमार है या बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा गेस्ट टीचर्स की तरफ से कहा जा रहा है। तो उनका कहना है कि दूर उनका ट्रांसफ़र ना किया जाए और अगर ट्रांसफ़र करना है तो फिर उससे पहले पक्का किया जाए, क्योंकि कहीं दूर जाएंगे तो वहां पर रहने का खर्चा, खाने का खर्चा भी लगेगा। इसके अलावा गेस्ट टीचर्स का क्या कुछ कहना है वो एक बार जान लेते हैं। क्रॉनिकल डिजीज से पीड़ित हैं उनको स्थाई जिला के अंदर जो है समझ किया जाए और बाकी सभी जो हमारे साथी हैं ये ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो गेस्ट टीचर हैं उनको शामिल ना किया जाए। हमारी ये मांग है कि ये केवल हमारे साथियों को जिला स्तर पर जिले के अंदर ही समायोजित किया जाए, क्योंकि जब हमारी भर्ती हुई थी हमारी भर्ती ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर हुई थी और हमें इस ट्रांसफ़र पॉलिसी हम सहमत नहीं हैं, हमें लोकल स्तर पर ही यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र में शामिल किया जाए, ट्रांसफ़र पॉलिसी में शामिल ना किया जाए। इतनी दूर दूर ट्रांसफ़र हुआ है गेस्ट टीचर्स का, नौ मेवात तक गए? देखो नौ मेवात तक आने जाना सर एक साइड से 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक है, 250 किलोमीटर तक है सर। आप सोचियो कि वो यहाँ तो आ ही नहीं सकते, पलवल यहाँ से तकरीबन 125 किलोमीटर पड़ता है सर। इंद्री से पलवल देखो आप कितनी दूर है सर, सिरसा तक है, उधर पोंटा के बॉर्डर पर तक गए हैं सर, टिब्बी बकरवाड़ा गांव तक गए हैं हमारे साथी। क्या क्या मांगे हैं सर आज इकट्ठे हुए आप? सर डिमांड यही है कि जो ये पॉलिसी है सबसे पहले तो इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि जो पे दे रही है सरकार उस पे के अनुसार एक गुजारा ही बड़े आराम से चल सकता है, लेकिन यदि खर्चे को लगाएं और जिस पड़ाव पे अब हमारे साथी आए हुए हैं अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी है, हर गेस्ट साथी के 70 से 80 वर्ष के माता पिता हो चुके हैं, वो उनकी सेवा करें या अपनी नौकरी करें, सबसे बड़ी परिवार के लिए समस्या यही आई है कि इस अवस्था में आकर के अब हम अपने परिवार का पालन पोषण करें या नौकरी को छोड़ें, नौकरी को छोड़ें तो परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, नौकरी करें तो वहाँ जा कर के यहाँ परिवार बिछड़ जाएगा। तो हमारा तो सीएम साहब से सरकार से हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन है कि इस पॉलिसी को विनम्रता के साथ लागू करें और विनम्रता में यही अप्लाई करें कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्लॉक लेवल पर साथियों को समायोजित करें। कोई कोर्ट में भी पटीशन डली हुई? कोर्ट में पटीशन इसलिए डली थी सर, जैसे जो नूह में बात गए हैं उन साथियों की तरफ से कोर्ट में पटीशन डाली गई थी। भाई कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें 250, 300 संख्या अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी सिर्फ 2 या 1 टीचर कार्य कर रहा है वहाँ पर, जबकि नियम अनुसार 5 से 6 टीचर होने चाहिए। तो हमारी तो यही मांग है भाई आप अच्छे से उस संख्या को ध्यान में रखते हुए जैसी टीचरों की आवश्यकता है उन कैप्ट पोस्टों को खोलें और पोस्टों को खोल करके वहां पर सभी को समायोजित करें। हम अपने नीलोखेड़ी ब्लॉक से ही हम ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कोई पटीशन नहीं है, ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर जो व्यवस्था एक और मैं आपको थोड़ा बताऊँ कमियाँ क्या है इसके अंदर। मान लो कोई व्यक्ति सीनियर है, एक को 18 साल नौकरी करते हुए होगी और उसकी एज है 36 एज, अब वो एज के पॉइंट के अनुसार उस पॉलिसी के तहत वो बड़ी दूर चले गया बंदा, यदि उसकी एज ज़्यादा है वो नज़दीक आ गया, यहाँ सीनियर जूनियर का कोई रहा ही नहीं सिस्टम। क्या क्या मांग? और सर हमारे आसपास जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पर हमारे को एडजस्ट ना करके मेवात क्लेसर इतने दूर दूर स्टेशन पर भेजना या कहाँ की बुद्धिमत्ता है? जब हमारे मैं इंद्री ब्लॉक से हूँ और मैं हिंदी टीचर हूँ, मेरे ब्लॉक में 6 पोस्टें खाली हैं हिंदी की, तो वहाँ पर मेरे को एडजस्ट ना करके दूर 50 किलोमीटर भेजना तो ये कहाँ की बुद्धिमत्ता, और इतने कम वेतन पर हम वहाँ एडजस्ट कैसे करें सर? तो ये हमारी समस्या, ट्रांसफ़र जहाँ मर्जी करें, अगर हमारी तनख्वाह पूरी हो रेगुलर के समान हमारे को सुविधाएं दी जाए तो हमारी ट्रांसफ़र जहाँ मर्जी कर दे, लेकिन इतने कम वेतन पे हम गुजारा कैसे करेंगे? आज क्या किया गया है? आज सर हमने गेस्ट टीचरों ने जो अपने डीओ साहब थे उसको ज्ञापन दिया है और हमारी जो मांग है वो हमारे सीएम तक वो पहुँचाए। कुछ 23 तारीख को भी कुछ होने जा रहा है? 23 तारीख को पूरी स्टेट लेवल पे, पूरे स्टेट लेवल पे जो सर तो स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है, अपने यहाँ से पूरे स्टेट के माध्यम से मतलब अपने करनाल के माध्यम से पूरी स्टेट को इकट्ठा कर करके एक आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा और सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इस व्यवस्था को संभालने का एक उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि इसके अंदर अपने लेवल पे जितना भी अच्छे से समाधान हो सकता है सभी बच्चों के परिवारों को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोई अच्छी सी पॉलिसी का निर्माण करें और इसको डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पर इसको तैयार करें। क्या है 23 तारीख को? क्या है
23 तारीख को सर कोई रैली की घोषणा हुई है, उससे पहले मैं जो बात कहता हूँ कि हम तो सीएम साहब से एक मांग करते हैं कि ठीक है हमारा ट्रांसफ़र दूर जिलों में हो गया है, सीएम साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें रेगुलर कर दिया जाए। रेगुलर टीचर जो हमारे से 3 गुना वेतन ज़्यादा ले रहा है वो जिले में काम कर रहा है, और जो उम्र में भी हमसे छोटे हैं, हमें 17 साल सेवाएँ देते हो गए, जो 5-5 साल से इस विभाग में आए हैं वो जिले में नौकरी कर रहे हैं और हमारे से 2.5-3 गुना वेतन ज़्यादा ले रहे हैं। हम तो सीएम साहब से मांग करते हैं हमें रेगुलर कर दो, सारे हमें रेगुलर के बेनिफिट दे दो, उसके बाद जब हमारी पोस्टिंग करो, हरियाणा सारा हमारा, हम सब हरियाणवी हैं, कहीं भेज दो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। करनाल में ही है रैली? करनाल में रैली है सर। हम तो सीएम साहब से कहते हैं कि अपनी दरिया दिली का परिचय दे, गेस्ट टीचर आपका आपकी ट्रांसफ़र का स्वागत करेगा। अगर प्रदीप बतान, अगर आप गेस्ट टीचर को रेगुलर कर देते हो तो गेस्ट टीचर आपकी ट्रांसफर का स्वागत करेगा। हमें कोई वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तमाम गेस्ट टीचर्स आज यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और उनकी तरफ से मांग रखी गई है कि या तो उन्हें रेगुलर कर दिया जाए, और रेगुलर किया जाएगा तो ही उन्हें ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल किया जाए, वरना इतनी दूर दूर तक उनका ट्रांसफर ना किया जाए। 23 तारीख को एक रैली का ऐलान किया है, पूरे हरियाणा से गेस्ट टीचर्स करनाल में इकट्ठे होंगे, और आज करनाल के शिक्षा विभाग के अधिकारी को यहां पर गेस्ट टीचर्स की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों पर विचार करती है या फिर इनका ये प्रदर्शन आगे भी ऐसे ही जारी रहता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।